आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, जनता की हर आवाज, प्राइम टाइम न्यूज, सच्चा जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाएगी हर खबर। IBN 24 न्यूज झारखंड। कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं, वो महिला कहीं आपके चक्कर में, उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा? अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोगने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए। अरे गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला तो बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया। तो आप ही ठेकेदार हैं एकमात्र, तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? सीपी सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके ओलोंग से जाके व्यक्त कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई, समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध है, तो वे बताएं कि क्या संबंध है। कहा ना भाई प्रेस में, हम तो नहीं बोल रहे ना, इन्होंने खुद कहा है, पेपर में आया हिंदुस्तान में, ये कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, और वो संबंध किस हद तक है, वो भी तो प्रमाणित करें कि वो संबंध क्या है, व्यावसायिक है कि मित्रता है, पारिवारिक है कि और इससे भी ऊपर कुछ है। फिर तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दुमैनी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये NGT में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पांव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया, तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब CP सिंह का मैटर होता है तो CP सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है, मतलब CP सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। गजब कर रहे हैं भाई आप, जो है CP सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती हैं इसलिए, लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं, वो महिला कहीं आपके चक्कर में, उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा? अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला तो बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया। तो आप ही ठेकेदार हैं एकमात्र, तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? CP सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि
हमको लेके आप जाके वो लोग से जाके पैक्ट कर लिए। और कल तो देखिए हद हो गई, समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान आता है मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है, फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है, ये ट्विटर में इधर सर सर इधर सर ये ट्विटर में सारा चीज दिया जाता है। इधर एक बार इस तरह सर इस तरह ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में महिला रह रही है और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि फिर कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगनआर में तीन महिलाओं के साथ एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर जिसका नाम बोला जाता है छोटू उसके साथ कहीं चली गई। और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है, तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी में आ रही है, गजर किया। कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आखिर इनको क्यों कहाँ से जानकारी ये सब हुआ? तो आप देखिए इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया दैनिक भास्कर ने कि सरयू राय जी को महिला को उप युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये दैनिक भास्कर का कल का अंश में बता रहा हूं। तो दैनिक भास्कर ने कहा तो मैं तो उनको चूंकि हमारे गार्जियन है, चचा है, हमारे अभिभावक है और गार्जियन तो थोड़ा नैतिकता की भी बात करते हैं, संविधान सम्मत की बात करते हैं, तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए। वो महिला और एक कौन लड़का है और ये है, इनका करवा के सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ये बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए, अभी पुलिस कहे अभी तुरंत मेरे पास मोबाइल है, मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल आपके सामने हैंड ओवर करूँगा। और मैं भी मांग करता हूँ कि ये मोबाइल तुरंत पुलिस ले, क्योंकि मैं आरोपी नहीं हूँ और वो महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्त भोगी है। आरोपी और भुक्त भोगी में अंतर होता है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस को तुरंत ले लेना चाहिए और इसको तुरंत फॉरेंसिक जांच में जाना चाहिए
और इसको शीघ्र इसको एकदम समयबद्ध तरीके से मोबाइल को लेके फॉरेंसिक में भेज दे और ये दूध का दूध पानी का पानी करे, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन आप ही नैतिकता की बात कर रहे हैं और पेपर में जब छप रहा है तो हम तो अभी 2 घंटा मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ईडीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। आप तो 3 दिन में अभी तक पुलिस आपकी क्या कर रही है? अरे बस इनको एक तो कान सफा करने वाला दवाई दीजिए तो नहीं पास विभाग से तो डलवाइए इनका कान में। अरे भैया मैं आपके सामने क्या करूं, आपका कैमरा लाइए मेरे मुंह में घुसा दीजिए तब बोले, बोल तो दिए हैं जी। एक सवाल मेरा भी लीजिए। मेरा तो मैंने SSP को कहा है, फोन लगाइए SSP साहब को, मैंने उनसे कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसको फॉरेंसिक लैब भेजिए मेरे मोबाइल को, और जो भुक्तभोगी है उसका भी मोबाइल को जब्त कीजिए भेजिए, तो इससे ज्यादा हम क्या करें। वीडियो जो है उसमें आप में दिख रहे हैं क्या प्रजेश भाई, क्या इसके मूल्यों के लिए ये बहुत ही दुखद है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान थी है रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ आपकी सरकार बिल्कुल देखिए, चूंकि आप बहुत सारे आपके भी कुछ पत्रकार होंगे उनको भी फोन फान करके बोलता होगा कि फलना बैंक से बोल रहे हैं, ATM वो ATM आप अपने पास रखे हुए हैं और पता चला आपका माल गायब हो गया, आप बताइए कौन आया आपके घर से निकालने, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया पैसा। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब आपका पर्स पैसा जो है आपके कार्ड का पैसा निकल जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये किस तरीका का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको जो है कड़ाई से इस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक में पैसा रखते हैं उनका पैसा निकल गया, बेचारे लोग, कई लोग तो जो है मतलब उनका जीवन दुश्वार हो गया। आप तो 3 दिन में अभी तक पुलिस आपकी क्या कर रही है? अरे बस इनको एक तो कान सफा करने वाला दवाई दीजिए तो नहीं स्वास्थ्य विभाग से तो डलवाइए इनका कान में। अरे भैया मैं आपके सामने क्या करूं, आपका कैमरा लाइए मेरे मुंह में घुसा दीजिए तब बोले, बोल तो दिए हैं जी। एक सवाल मेरा भी लीजिए। मेरा तो मैंने SSP को कहा है, फोन लगाइए SSP साहब को, मैंने उनसे कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसको फॉरेंसिक लैब भेजिए मेरे मोबाइल को, और जो भुक्तभोगी है उसका भी मोबाइल को जब्त कीजिए भेजिए, तो इससे ज्यादा हम क्या करें। वो वीडियो जो है उसमें आप संवेदनियां में दिख रहे हैं, क्या प्रजेश भाई, क्या इसके मूल्यों के लिए ये बहुत ही दुखद है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान थी है रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ आपकी सरकार बिल्कुल देखिए, चूंकि आप बहुत सारे आपके भी कुछ पत्रकार होंगे उनको भी फोन फान करके बोलता होगा कि फलना बैंक से बोल रहे हैं, ATM वो ATM आप अपने पास रखे हुए हैं और पता चला आपका माल गायब हो गया, आप बताइए कौन आया आपके घर से निकालने, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया पैसा। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब आपका पर्स पैसा जो है आपके कार्ड का पैसा निकल जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये किस तरीका का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको जो है कड़ाई से इस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक में पैसा रखते हैं उनका पैसा निकल गया, बेचारे लोग, कई लोग तो जो है मतलब उनका जीवन दुश्वार हो गया। आदमी हैं जिनका घर जो है अपने शीशा का होता है ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं, मत हमसे खुलवाइए, आप जानते हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं, बड़ा भाई है मेरा, हमसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है, बड़ा हम इज्जत करते हैं। अरे उतारे तो वे लीजिए, सीता का साड़ी है, इतना जल्दी गंदा हो जाएगा जी, इतना कमजोर आदमी है ऐसा ना बात कर रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लोग किसी के माँ बहन बेटी पर नहीं बोलते हैं, हाँ बर्दाश्त करेंगे, मर्द की तरह लड़े हैं लड़ेंगे, लेकिन हम किसी पर नहीं आक्षर, हमको तो बोलिए ना सब का नाम मालूम है जी, कब कौन मरा है, कौन कैसे मरा, क्यों मरा, किसके कारण। नेता आदमी है
आप पत्रकार हैं, आपको 25 तो फोन आता है, आप बता नहीं पाते हैं कितना जगह बात कर रहे हैं। तो आप बात करते हैं क्यों नहीं करेंगे बात? कोई हम बहुत बड़ा ये है का रतन टाटा और ये है अंबानी अडानी है, ऐसा ना बात करें। हम तो घर जाते हैं तो तुरंत साठ फूट खोल के अपने बतियाते हैं। अब आप करते होंगे शायद, शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हैं? सर बनियान में घर के नहीं नहीं शादीशुदा हैं आप? नहीं है ना? जब शादी कर लीजिएगा ना और पत्नी बच्चा हो जाएगा तो सवाल करिएगा हमसे। चलिए पूछिए। और आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम टाइम सच और जनता की हर आवाज। आप देखते रहिए IBN 24 न्यूज झारखंड। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए।